आर्टिस्ट जमशेदपुर झारखंड से। मैं सबसे पहले कला रूट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन सिचुएशन में एक ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया है, और उन सभी जजेस को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज मेरा पेंटिंग सिलेक्ट किया है मास्टर अवार्ड के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक मूर्तिकार फैमिली से हूँ, मैं बचपन से ही उस फैमिली में रहा हूँ और मुझे बहुत ही इस आर्ट फील्ड में लगाव है। मैं छोटा बचपन से ही स्कूल लाइफ से हम सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग करते रहते थे और कोई उसमें आर्ट स्कूल में ज्वाइन नहीं किया था। मैं उसके बाद मुझे देखा गया घर में कि तुम्हारा पेंटिंग अच्छा हो रहा है, तुम ड्राइंग अच्छा कर रहे हो, तुम एक काम करते हो क्यों नहीं एक स्कूल में एडमिशन ले। तो मैंने फिर अपना पापा मुझे ले गया आर्ट स्कूल में और एडमिशन करवाया, जिसमें मैं स्कूल में ज्वाइन किया, क्लासेस करना शुरू किया, बीच में छोड़ दिया, फिर से शुरू किया। इस तरह से मेरा जो होते रहा और घर का काम भी करते थे, पेंटिंग बनाता था अपना पापा के साथ भी, जो चाचा लोग के साथ हेल्प करता था पेंटिंग मूर्ति में काम में। मेरा उस टाइप का जो एक एक्सपीरियंस अभी भी मुझे याद आता है कि किस तरह से मैं उस टाइम में, कुछ अच्छा भी पल था कुछ बुरा भी पल था, उसको भी मैं अपना इस जर्नी में लाया हूँ। और मुझे अच्छा लगता बोलने में कि मैं आज जहाँ भी हूँ आज सब ही मेरा फैमिली से ही है, और मैं अब जहाँ आर्ट स्कूल में, मैं ऐसा कुछ कॉलेज से पास नहीं किया, लेकिन कॉलेज में मैंने एंट्रेंस दिया था बट मेरा वहाँ पर हुआ नहीं था। मुझे कैजुअल क्लास करने के लिए मुझे चांस मिला था बट हम वो भी नहीं कर पाया कि उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते। बट मैं जब वहाँ से आया, रिटर्न आ गया, फिर हमको बोला गया कि तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम अगर वहाँ जाना चाहता है तो चले जाओ, कैजुअल क्लास कर लो, और कैजुअल क्लास कर एक साल के बाद तुम्हें एडमिशन लेना। तो फिर हम सोचा कि नहीं देखते हैं। फिर हम एक बार गया वहाँ पर, मेरा फ्रेंड्स वहाँ पर जितना भी फ्रेंड्स था वो लोग मेरे से मिला, सबको बोला हाँ तुम अच्छा है करो। तो उस तरह से हम दो एक दिन वहाँ पर रह के किया है। बट मेरा वहाँ पर जो दामोदर सर बोल के थे मेरा स्कल्पचरिस्ट मास्टर, तो उन्होंने मेरा को भी बहुत कुछ बोला कि तुम एक साल कैजुअल क्लास कर लो और तुमको उसके बाद एडमिशन तो हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर हम सुना ठीक है देखते हैं। तो फिर हम वहाँ पर बहुत ही अच्छा से पेंटिंग उन्टी ड्राइंग उन्टी करते थे, सीनियर्स लोगों को दिखाता थे अपना भी किया हुआ है। वो दो तीन दिन का बीच में मेरा बहुत कुछ हमको मिला था उसमें, और जितना भी उसमें मिला है हम वो भी नहीं भूल सकते हैं। और मैं उसके बाद वहाँ से, मैं जैसे भी करके हम वहाँ से बोल के रिटर्न आ गया। रिटर्न आने के बाद मैं अपने घर में भी उसको शेयर किया अपना बातें कि ऐसा हुआ मेरा एडमिशन नहीं हुआ, हमको दे रहा था। तो फिर मैं सोच लिया कि मेरा वहाँ से तो एडमिशन नहीं हो रहा, कैजुअल क्लास करेंगे क्लास, उसमें भी तो कुछ पैसा भी लगेगा। उसमें जो आपको बोला था कि तुमको पेमेंट उल्ट कर देना है उसके बाद तुम अपना क्लास करो, बट मेरा लिए बहुत प्रॉब्लम था। मैं छोटा से मैं मूर्ति में पेंटिंग में इस समय बहुत ही मेरा इंटरेस्टेड था, बट मैं जब इसमें सुना कि इतना पैसा लगेगा कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, अपना फीस देने के लिए, तो मैं थोड़ा पीछे हट गया। और मैं अपना फिर जमशेदपुर में आके ही अपना आर्ट स्कूल में जहाँ पर पहले से मैं सीखता था, फिर वहीं आके ज्वाइन करके फिर अपना वहाँ क्लासेस फिर किया। वो लोग को बताया अपना बारे में, ऐसा 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 वहाँ पर हुआ है, मेरे से ऐसा हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर वो लोग बताया कि तुम्हारा देखो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, अगर तुमको चाहता है तो जाओ, अगर नहीं चाहता तो यही करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुमको सर्टिफिकेट का, अगर सर्टिफिकेट वो नहीं जरूरी, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम अगर अच्छा काम करोगे तो, और उससे कुछ बड़ा बात नहीं है, काम करो तुम सिर्फ काम करो। तो हम वही सुन के हमने सोचा चलो इतना हमको मेरे सीनियर सर लोग सबको बता रहे तो कि कोशिश करता हूँ, चलो मैं काम ही करता हूँ। फिर वही काम करते 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 मैं छोटा मोटा एग्जीबिशन आर्ट वर्कशॉप ऐसे में भी हम चांस मिला है। सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट टाटा स्टील ऑर्गेनाइजेशन में एक आर्ट इंडस्ट्री बोल के था, उसमें भी हमको चांस मिला है। और जमशेदपुर में भी, जैसे रांची में भी, ऐसा हर जगह में कहीं कहीं ने हम छोटा मोटा आर्ट कैंप एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट किया है, अवार्ड भी मिला है स्टेट लेवल नेशनल लेवल। फिलहाल में एक बांग्लादेश में भी उनको अवार्ड मिला, जिसमें हमको इंटरनेशनल अवार्ड फोकस बांग्लादेश। बस मैं यार ज़्यादा इसमें नहीं बोल पाऊँगा, मुझे काम करना है, काम करूँगा, और सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबको ही काम करो, अच्छा काम करो, और काम करते रहना है। काम अगर करेगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं यार एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी कलर उसका जो ऑर्गेनाइजेशन में है, उनको थैंक यू मैं कहना चाहता हूँ। और इस तरह से प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आशा करता हूँ कि आगे जाके इसका और अच्छा इसका प्रोग्राम होगा।